सो गुड आफ्टरनून एवरी वन. सो लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर. ठीक है. सो आई होप सो दैट आज थोड़े कम बच्चे हैं. ठीक है, नो इशूज. सो आज के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कैसा है कि थोड़ा सा आज मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लेक्चर रहेगा रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंटेड इन द MSW. ठीक है. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत सारे रहते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पेपर ही रहे, प्लास्टिक भी रहता है, फूड भी रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहता है, फूड भी रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सॉलिड वेस्ट में रहता है. ठीक है. उसके अलावा और क्या क्या रहता है भाई? यस, और क्या क्या रहता है? सो पेपर के अलावा प्लास्टिक रहता है, एल्यूमिनियम कैन रहता है, फेरस मेटल रहता है, नॉन फेरस मेटल रहता है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स रहते हैं. फिर टायर्स वगैरह रहते हैं, रबर्स रहते हैं, टेक्सटाइल्स रहते हैं. ठीक है. सर, बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं पेपर में, वेस्ट में. ठीक है. तो क्या होता है कि हमको हर एक को रिसाइकिल करना पड़ता है. ठीक है ना. क्योंकि ऐसे जितना आप रिसाइकिल करोगे, जितना सोर्स में सेग्रीगेट करोगे, वो करोगे, ठीक है, उतना आपका जो रहेगा लैंडफिल के ऊपर लोड कम होगा, राइट. तो अभी प्रॉब्लम होता है ऐसा है कि पेपर जो आपका होता है पेपर, ठीक है ना. अभी आज के लेक्चर में क्या करूंगा, आज के लेक्चर में मैं वैसे आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा. बिकॉज कैसा है कि ये अगर आपको वीडियो समझ में आ गया ना, ठीक है, तो अंदर जो मैटर लिखा हुआ है ना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा ये अंदर का मैटर लिखा क्या है. ठीक है. तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको आज मैं जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग, तो आज हम लोग डील करेंगे पेपर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है ना. तो जब भी हम रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में उसका मैन्युफैक्चरिंग पहले कैसा होता है वो हमको देखना पड़ेगा. ठीक है ना. पेपर बनता कैसे, तो सबसे पहले वो देखना है. फिर पेपर रिसाइकल कैसे होगा, ठीक है, फिर वो देखना है. ठीक है. और अदर पेपर मार्केट केस स्टडी जो है, केस स्टडी आपको करना है. केस स्टडी पेपर रिसाइकलिंग इंडिया में कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में केस स्टडी जो भी रहेगा उसके ऊपर आप ढूंढ के आप कर सकते हो. ठीक है. सो पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता कैसे है, ठीक है. सबसे पहले पेपर मैन्युफैक्चरिंग का जो वो हुआ था, चाइना ने निकाला था 100 CE में. ठीक है. तो उन्होंने वेस्ट पेपर यूज करके, बैम्बू फायर्स को यूज करके पेपर बनाया था. ठीक है. तो ऐसे अगर मैं बताऊँ, पेपर जो बनता है, पेपर बनता है वुड से बनता है, फिर वुड से फिर पल्प बनता है, फिर पेपर बनता है. तो कैसे बनता है, तो आज मैं अभी 13 मिनट्स का वीडियो रन करूंगा. वो 13 मिनट्स का वीडियो आप देखना, एकदम शांति से देखना, अच्छे से देखना, अंत तक लास्ट तक देखना. ठीक है. 13 मिनट्स, ठीक है, कंटिन्यूसली. तो आपको पेपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है समझ में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद जो है आपका पेपर मैन्युफैक्चरिंग का मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर रिसाइकलिंग. तो वो 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा पेपर रिसाइकलिंग का, और थोड़ा सा मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो हम लोग कर लेना. ठीक है. तो आज का लेक्चर मोस्टली बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, अराउंड 20-25 मिनट्स का. ठीक है. तो उसको हम लोग देख लेते हैं. मैं एक बार शेयर करूंगा. चाहे उसको सबको देख रहा है, मैं अपने आप को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ. ठीक है. सो ये वीडियो आपको अभी दिखने वाला है. ठीक है. तो प्लीज 13 मिनट्स का वीडियो है, लास्ट तक देखना. ठीक है. The timber used for paper production comes either from deciduous trees such as birch, poplar, beech, and eucalyptus, or conifer trees like spruce, fir, and pine. Conifer wood has longer fibers than deciduous species and generally forms stronger papers. Logs arrive at the wood yard. They are fed into a rotating drum which removes the bark. The logs are then chipped. The largest source of wood chips for paper making is the recycled offcuts from industrial sawmills. The wood chips are transported to the pulp mill on a conveyor belt.
As they enter the pulp mill, the wood chips are fed into a digester, where they are cooked in an acid solution to dissolve the lignin and separate the plant fibers. We call the pulp obtained from this process wood-free, because the lignin has been dissolved. Fibers are washed to remove the acid solution, and the pulp is now soft and fibrous. Before it can be used to make white paper, the pulp is bleached, and any residual lignin, which would cause the paper to yellow with age, is filtered out. To protect the environment, this bleaching is chlorine-free, using oxygen and peroxide. The yellow brown wood chips that entered the pulp mill have now been turned into a soft white pulp, the principal raw ingredient for making paper. This treated pulp can be dried, baled, and transported to other paper mills, which may either not have their own pulp mill or may require a specific type of pulp to give the paper particular characteristics. Whether produced on site or bought on the market, the pulp enters the paper mill and is mixed with water. The pulp solution is refined by passing it through a series of rotating and stationary blades. These give the fibers a variable degree of clean cut or fibrillated ends. Fibrillated fibers bind more tightly with adjacent fibers, creating stronger paper. Wood fibers alone would produce rough textured and unevenly dense paper, and such as calcium carbonate and clay are mixed in to make the paper more opaque and give it a more controlled density. Dyes, optical brightness, and sizes may also be blended into the pulp to improve the appearance of the paper. The most important process material is water. About 100 liters of fresh water are needed to make 1 kilogram of paper. Sophisticated wastewater treatment plants and closed water circulation systems on the paper line allow over 90% of this water to be recycled. The pulp solution is now a carefully controlled mix of fibers, fillers, and coloring agents suspended in water, ready to enter the paper machine. The paper machine is the heart of the paper mill. A continuously running series of manufacturing processes that will convert the pulp solution into the perfect paper grade for each market application. The head box is located at the beginning of the paper machine. Here, the pulp solution is injected at high pressure directly into the space between two continuously rotating wires. These carry the pulp into the gap former, which rapidly drains the excess water from both sides. This immobilizes the pulp within milliseconds of leaving the head box, turning it into a continuous well of paper, still wet and fragile, but already exhibiting its most important sheet properties. The delicate paper web is now carried into the press section by continuously looped wet felts, which carry away most of the water and stop the sheet from tearing. At the shoe press, the paper web is forced between a soft rotating roller, pressing against a hydraulically actuated metal pad. Water is squeezed out of the paper by this pressure, and this is absorbed and carried away by the wet felts. The longer section of the paper machine contains the drying cylinders. These huge heated rollers dry the paper, giving it the strength to become self-supporting, ready for the processes which will determine its surface qualities. The paper sheet passes along the paper making machine at up to 1,000
2,400 meters per minute. Every process is continuously monitored to ensure its manufacturing consistency. The paper passes through a machine calendar where two finely polished steel cylinders at a precisely determined width apart ensure that the paper thickness is consistently even. The paper then passes through a series of sizing and coating presses. Here, starch and coating colors are applied to its surface using a film press process. The coating color is sprayed onto an elastic roll, which then transfers the coating film to the paper web. Film press coating creates a uniformly thick coating layer, which follows the surface of the paper. After each coating process, the surface is dried by infrared heating panels and drying cylinders. Setting the surface for sizing encourages printing inks to dry on the surface of the paper rather than be absorbed into the paper, increasing the color intensity of the finished print and improving the surface strength and water resistance of the paper. The paper is then wound onto a series of steel cores which press against a poke reel. This makes sure that the paper is wound at the right tension onto each core. Every hour, the paper line creates a jumbo reel containing 80 kilometers of paper sheet, 8.5 meters in width, and weighing 120 tons. Paper machine operators carefully check every aspect of the base paper quality, its thickness, opacity, and smoothness, making sure these are exactly as specified before allowing the robot truck to carry the jumbo reel away for further treatment and finishing processes. Final surface qualities of each batch of paper are controlled in the coating and finishing lines. For example, the paper from this jumbo reel may be sold with gloss or matte finish, natural or bright white in color. The coating compounds are mixed according to precise recipes in tanks in the coating kitchen. The main color pigment is calcium carbonate, which makes the paper surface white. The coating solution may also include clay and talcum powder. Binders can be natural starches or purely synthetic compounds, such as latex. To create a smoother surface, up to two more coatings per side are applied using the blade coating process. Excess solution is sprayed directly onto the paper and is then scraped off by a steel blade. Depending on the pressure of the doctor blade, a uniform paper surface is created as the irregularities in the paper are smoothed out. Each side is coated and dried in sequence to create the correct characteristics for each paper grade. Base characteristics and the optimum coating consistency, but it does not yet have a perfect surface finish. This is achieved in the super calendar. The paper passes through up to 10 rollers, which each apply pressure and temperature. These rolls have different surfaces, such as hard steel and soft rubber, depending on the type of gloss and surface treatment required. As it is wound back onto another steel core for transport, the paper in this jumbo reel now has all the characteristics needed for its end use. Apart from one final detail, its size. The
jumbo reels are transported to a slitter winder. Rotary blades cut the reel into several narrow reels, which are rewound and sent forward to the finishing department. Several reels are simultaneously fed into a sheeter, which cuts the paper into sheets and stacks these onto pallets. Several printing processes, like heat set, web offset, cut star, and label presses, use paper in reel form. These reels remain uncut and are moved forward on automated conveyor belts. Whether the paper has been cut into sheets for a sheet press, or remains in a roll for a web offset press, the final destination is the same, the packing lines and warehouse. Each reel of paper is wrapped in craft cardboard to avoid damage in transport. Each pallet load of sheets is either shrink wrapped or wrapped in reams, ready for delivery to the customer. Consignment of both sheets and reels is labeled with the brand name, a batch number to identify its exact manufacturing history and its destination. All that remains is to ship the paper, now a branded, quality-controlled product with precise characteristics and performance, out to the customer. सो नाउ आपने देखा पेपर कैसा मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है. सो ये जो पेपर का ब्रांड था, सो दिस वाज अ ब्रांड ऑफ सैपी, ठीक है. सैपी एक वर्ल्ड का एक प्रेडोमिनेंट एक रिनाउंड ब्रांड है, ठीक है. सो हाउ द पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड ओवर देयर, सो आपने वो चीज देखा यहाँ पे, ठीक है. सो आई डोंट थिंक सो दैट आप लोग बता सकते हो कि अभी आपको लगता है कि डेट की कुछ पढ़ाने की जरूरत है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में. आई होप सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर ओवर नाउ, एक तरह से पूरा पूरी तरह से अभी ये क्लियर है, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो ये फ्लो चार्ट है, ठीक है. पल्प प्रोडक्शन 5 स्टेप्स होते हैं, पल्प प्रोडक्शन, पल्प प्रोसेसिंग, केमिकल रिकवरी, पल्प ब्लीचिंग, स्टॉक प्रिपरेशन, ठीक है. फिर स्टॉक प्रिपरेशन का पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. तो ऐसे इस तरह से 5 स्टेप्स होते हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है. तो मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है. जो चीज वहां पे वीडियो में आपको दिखी वैसा का वैसा इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है. आप देख सकते हो डिसीडियस ट्रीज, कॉनिफर ट्री, वुड प्रोडक्शन होता है. फिर उसके बाद आपका जैसे होता है, मैंने वुड प्रोडक्शन में कुछ पिक्चर लगाकर आपको दिखा दिया है. ये ट्रंक होता है, ये ट्रंक इस तरह से आता है. फिर वो चिपिंग होती है उसकी, तो चिपिंग करके डिबाग करके वो इस तरह से वो दिखता है, ठीक है. फिर पल्प प्रोडक्शन, पल्प प्रोडक्शन या तो आप मैकेनिकली कर सकते हो, मैकेनिकल करने लिखा कि मैकेनिकली कैसे कर सकते हो आप, केमिकली कर सकते हो. बट मैकेनिकल पल्प में क्या होता है कि वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है लिग्निन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिग्निन को डैमेज नहीं करना, लिग्निन से पेपर को, लिग्निन के अंदर सेलुलोज होता है और उससे पेपर को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है. तो उसको पल्पिंग हम लोग जनरली केमिकल पल्प ज्यादा यूज करते हैं, या तो उसमें भी सल्फाइट, जो मैग्नीशियम सल्फाइट होता है वह यूज करते हैं. सल्फाइट पल्पिंग हम लोग ज्यादा यूज करते हैं. तो यहाँ पे सल्फाइट प्रोसेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो. फिर मैकेनिकल जो होता है, थर्मो मैकेनिकल पंपिंग, केमिकल थर्मो मैकेनिकल पल्प, ये इंटरमीडिएट पल्पिंग होता है, वो आप देख सकते हो. तो इसमें मैंने बताया पल्पिंग प्रोसेस में किसकी एफिशिएंट, किसकी यील्डिंग प्रॉपर अच्छी है, आप देख सकते हो. केमिकल की यील्डिंग अगर आप देखो तो भले थोड़ी कम है, बट ये बहुत सेफ होता है. भले यील्ड थोड़ा कम होता है, बट कैसा है कि अगर आप इंटरमीडिएट अप्लाई करते हो तो काफी अच्छी खासी यील्ड आती है. बट मैकेनिकल से बहुत तक लिग्निन जो होता है डिस्ट्रॉय होता है, दैट्स व्हाई मैकेनिकल पल्पिंग यूज ज्यादा नहीं करते, ठीक है. अभी आपने जो देखा है, मैं यहाँ पे जो मैंने वीडियो में देखा, तो उस वीडियो में क्या हुआ कि उस वीडियो में सबसे ज्यादा जो चीज हुआ है वो केमिकल पल्पिंग, दैट इज दे हैव यूज मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है. देखो ब्लीचिंग, अभी इसमें अगर आप देखोगे ब्लीचिंग का, ठीक है ना, तो ब्लीचिंग जो होता है ना, ब्लीचिंग आपका वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. अगर आप देखते हो ना, देखो पेपर तो बनता है वुड से, जब हम लोग चिप्स को कुक किए, ठीक है, जब चिप्स को कुक किया हम लोगों ने एंड उसमें हम लिग्निन को बाहर निकाला, ठीक है, पल्पिंग किया, ठीक है, पल्प को बाहर निकाला, तो इन दैट केस पेपर का जो शेप होता है वो कुछ ब्राउन कलर का होता है. किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का शेप, ब्राउन कलर का कलर होता है, ठीक है ना. तो ब्राउन कलर होता है उसका.
आप देखते हो आप पेपर में जब पेपर लिखते हो तो वो पेपर व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। वो कैसे होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग ऐड करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं ना, तो ब्लीचिंग से क्या होता है कि ब्लीचिंग सबका कलर होता है वो व्हाइट में ही होता है, ठीक है। ऐसा एक्चुअली अगर देखो तो बहुत सारे पेपर टाइप रहते हैं, जैसे आप कुछ प्रोजेक्ट के पेपर रखते हो तो उसमें आप देखोगे कुछ येलो कलर के पेपर रहते हैं डायरी में, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहता है उसमें आप लोग थोड़ा सा ग्लॉस वगैरह बनाने का क्या करते हो, उसमें एडिटिव्स ऐड करते हो, बाइंडर्स ऐड करते हो, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो वुड का ब्राउनिश ब्राउनिश रहता है, उसको केमिकल ब्लीचिंग लाइक क्लोरीन क्लोरीन की क्लोरीन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ओजोन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट क्लोरीन का कैसा होता है, क्लोरीन का उसमें इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्शन रहता है, क्लोरीन जो होता है वो THM बनाता है, क्या बनाता है, THM दैट इज ट्राई हेलो मिथेन बनाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई उसका कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई इसको हम यूज ज्यादा करते नहीं है अपने इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से पहले ब्राउन होता है, फिर वो व्हाइट कलर में से चेंज होता है, ठीक है। फिर स्टॉक प्रिपरेशन, स्टॉक प्रिपरेशन पहले हम रिफाइन करते हैं, उसको रिफाइन करने के लिए रिफाइन मतलब क्या होता है, रिफाइन का मतलब होता है कि आपको पेपर का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना पड़ता है, जो आपके फाइबर होते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेटन करना पड़ता है, ये थोड़ा करना पड़ता है। फिर उसमें फिलर्स ऐड करते हैं, फिर फिलर्स के बाद कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फिलर्स कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पेपर को व्हाइट कलर देता है, ठीक है। क्लेट एडिजम ऑक्साइड्स एडिटिव्स यूज कर सकते हैं, डाई ऑप्टिकल बेटिंग एजेंट्स बाइंडर्स में लेटेक्स हम लोग यूज कर सकते हो, अपने बताया मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें। पेपर मेकिंग प्रोसेस चार प्रोसेस होता है, शीट फॉर्मेशन होता है पहले पल्प स्लरी को, फिर पहले जो पल्प की स्लरी बनती है, ठीक है, लास्ट में उसको पहले अंदर डालना पड़ता है हेडबॉक्स, जो पेपर की मशीन होती है उसके हेडबॉक्स में डालना पड़ता है। फिर फॉर्मिंग होती है, तो पेपर में जो वाटर रहता है वो वाटर को डीवाटर करना पड़ता है कम से कम 20% तक, ठीक है। फिर प्रेसिंग में क्या होता है, फाइबर्स को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर वापस 20% वाटर रिमूव होता है, ठीक है। फिर ड्राइंग में शीट को ड्राई करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसमें 90-95% सॉलिड वर्जन फाइबर्स को प्रॉपर बॉन्डिंग मिल जाती है। एंड फिर कन्वर्टिंग और फिनिशिंग होता है, जो पेपर की थिकनेस होती है, इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी होती है। फिर हमने कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, अपने कैलेंडर वगैरह से थोड़ा सा वो पहले पैकेजिंग प्रोसेस वगैरह में आता है, तो इतना ज्यादा डिप में आने की जरूरत नहीं है। तो ये चार स्टेप पांच स्टेप याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट होता है पेपर रिसाइकलिंग, ठीक है। पेपर रिसाइकलिंग भी देखो कैसा होता है, मैं आपको एक मिनट का वीडियो रन करके दिखाऊंगा पेपर रिसाइकलिंग का, तो उससे अगर आपने देख लिया तो इसको भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। एक दो मिनट का वीडियो है बस। ओके तो नाउ आपने देखा किस तरह से रिसाइकलिंग में, थोड़ा सा हिलेरियस था वीडियो, ठीक है, हिलेरियस थोड़ा सा वीडियो था, राइट। सो उसके वजह से आपने देखा कि किस तरह से पेपर जो होता है रिसाइकल होता है, ठीक है। तो ये छह स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टोरेज, रिपल्पिंग एंड स्क्रीनिंग आपने देखा होगा, ठीक है, फिर क्लीनिंग, डी इंकिंग, रिफाइनिंग, ब्लीचिंग एंड कलर स्ट्रिपिंग, पेपर मेकिंग, ठीक है। देखो
आपको आप क्या करते हो, वेस्ट पेपर, आप क्या करते हो जो पेपर को यूज कर लेते हो, यूज करके उसमें कुछ इंक होगा, पेन से लिखा हुआ होगा, ठीक है, या न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में प्रिंटेड इंक होता है, प्रिंटेड पेपर होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, ऐसे जो वेस्ट हो गया, ठीक है, तो क्या करना है कि ऐसे जितने भी पेपर है उनको आप स्टोर करो प्रॉपर जगह पे, ठीक है ना, उनको क्या करो, उनको प्रॉपर जगह पे लेकर आओ, रिकवरी फैसिलिटी में लेकर, उनको सेग्रीगेट करो, जो यूजेबल पेपर है रिसाइकल कर सकते हैं उनको अलग कर दो, ठीक है, फिर उस पेपर को क्या करो, उस पेपर को वापस से स्क्रीनिंग करो, रिपल्पिंग करो, रिपल्पिंग मतलब कि पेपर में वापस उसका बल्क फॉर्मेशन होना चाहिए, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग क्यों करते हैं कि पेपर में कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज रहेंगे, छोटे इंप्यूरिटीज रहेंगे, बड़े इंप्यूरिटीज रहेंगे, उसको निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है, फिर क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग से क्या होता है और भी फाइन पार्टिकल्स जो रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है, फिर डी इंकिंग, डी इंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डी इंकिंग में क्या होता है कि डी इंकिंग में ऐसा होता है कि आपका जो पेपर में जो इंक होता है, इंक तो उस इंक को मिटाना रहता है, उस इंक को बहुत हद तक मिटाना रहता है, ठीक है ना, देखो 100% एफिशिएंसी तो आ नहीं सकती है, कुछ परसेंट एफिशिएंसी 60% 70% एफिशिएंसी आ सकती है, अगर आपने देखा होगा मैगजीन की पेपर्स, तो मैगजीन के पेपर अगर आपने देखा होगा मैगजीन के पेपर, तो मैगजीन के पेपर जो होता है उसमें क्या होता है कि वो जो होता है वो रिसाइकल्ड पेपर होता है जनरली, ठीक है, और वो जनरली उसमें डी इंकिंग करके फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उसको रिफाइनिंग करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, कलर स्ट्रिपिंग करके फिर पेपर इंकिंग होगा, सो इस तरह देख सकते हो ये स्टोरेज होता है, देख सकते हो थोड़ा कार्टून से मैंने एक्सप्लेन किया कि पेपर इस तरह से स्टोर कर रहे हैं पेपर मिल में, ठीक है, फिर रिपल्पिंग एंड स्क्रीनिंग, रिपल्पिंग में आप केमिकल्स को ऐड करते हो, फिर हीट करते हो, फिर उसमें कुक करते हो फाइबर्स को, ठीक है, फिर ओल्ड पेपर को, फिर बाद में हम लोग फिर पल्प बन जाता है, फिर स्क्रीन से हम लोग कुछ स्मॉल कंटेमिनेंट होते हैं, जो बिट्स ऑफ प्लास्टिक होता है, ग्लू होता है, उसको निकाल सकते हो, स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है, फिर क्लीनिंग में क्या होता है, क्लीनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो हैवी कंटेमिनेंट होता है, जैसे स्टेपल्स वगैरह होता है पेपर में, स्टेपल्स होता है, फिर बाद में लाइटर कंटेमिनेंट होता है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर डी इंकिंग में हम क्या करते हैं, जो इकी और स्टिकी, इंक और स्टिकीज जो होता है, एडिसिव्स होता है, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इंक आर रिंस्ड फ्रॉम द पल्प विद वाटर, ठीक है, उसको हम वॉशिंग करते हैं, फिर ड्यूरिंग फ्लोटेशन डी इंकिंग पल्प इज स्प्रेड इनटू लार्ज वेट कॉल्ड फ्लोटेशन सेल, फ्लोटेशन में जहाँ पे एयर होता है वहाँ पे उससे भी हम लोग इंक निकाल सकते हैं, और उसमें केमिकल्स और सर्फेक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, केमिकल और सर्फेक्टेंट्स को मिक्स करके तो जो इंक होता है वो पूरा निकल जाता है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कपड़ा देखते हो, कपड़ा ना, कपड़े में अगर कोई इंक लगा रहता है हम क्या करते हैं, कपड़े को धोते हैं ना, सर्फेक्ट सर्फ वगैरह से धोते हैं, फिर कपड़े से वो इंक निकलता है, बट सेम इसमें भी डी इंकिंग प्रोसेस में सर्फेक्टेंट्स वगैरह हम लोग कुछ यूज करेंगे जो एयर बबल्स कुछ जाएगा, पढ़ लेना इसको, इसलिए इस तरह से कुछ हम लोग डी इंकिंग करते हैं, डी इंकिंग का स्टेप होता है, ठीक है, रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग में वापस हम लोग फिर उसमें एडिटिव ऐड करते हैं, ब्लीच करते हैं, फिर कलर्स ऐड करते हैं, कुछ ऐड करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है, फिर पेपर मेकिंग में वापस पेपर वर्जिन फाइबर्स हम लोग ऐड करते हैं, जब हमने देखा होगा वर्जिन फाइबर्स ऐड करते हैं, जो वुड के वर्जिन फाइबर्स है वो ऐड करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर उसको फ्लैट करते हैं फाइबर्स को, फिर वैसे करते हैं, ठीक है, सो दिस इज द पेपर मेकिंग प्रोसेस, फिर हमें ये पूरा दिया हुआ है पढ़ लेना है, ठीक है, इस तरह से पेपर मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, अदर पेपर मार्केट्स की मैं बात करूँ, ठीक है, बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर्स होता है वो भी वेस्ट पेपर यूज करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, रूफिंग फाइबर बोर्ड कार्डबोर्ड वगैरह के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स के मार्केट होते हैं जहाँ पे पेपर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में लिया हुआ है, ठीक है, केस स्टडीज को आप लोग देख लेना, इंटरनेट पर सर्च मारना, बहुत सारे केस स्टडीज पेपर रिसाइकलिंग आपको मिल जाएंगे, खुद से पढ़ लेना एंड कर लेना, ठीक है, तो देखो अभी आज का तो ये खत्म हो गया, ठीक है, अभी कैसा रहेगा कि अभी ऐसा जरूरी नहीं कि पेपर ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अलावा प्लास्टिक्स भी रहता है, फूड वेस्ट भी रहता है, यार्ड वेस्ट भी रहता है, ठीक है ना, तो उनको रिसाइकल कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो आज मैं मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक एक असाइनमेंट लॉन्च करूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लॉन्च करवा दूंगा, ठीक है, कम से कम उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक प्लास्टिक का होगा, एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का होगा, और एक उसका होगा क्या बोलते हैं जो भी एक इंडस्ट्री का होगा, तीन, और एक टायर्स एंड रबर इंडस्ट्री होगा, ठीक है, तो 3 इंडस्ट्रीज आपके रहेंगे, ठीक है, तो उन तीन इंडस्ट्री के सेम ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, तो उस चीज की प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे पहले वो दिखाना है, फिर उसकी रिसाइकलिंग कैसे करना है वो आपको ढूंढने के लिए करना है, और उसकी केस स्टडी, ऐसे 3 चीज आपको लिखनी है, ठीक है ना, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, वो असाइनमेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस, आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो ये चीज मैंने आज आपका खत्म कर दिया, ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट थिंग, आप लोगों को पता है हुआ कि नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, दैट 21st of November 2020 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 21st of November 2020 से दे आर हैविंग, यू ऑल आर हैविंग ISC 2, ठीक है, तो विल बी उसमें हम लोगों का यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 ये पूरा आएगा, ठीक है, 21st November से ISC 2 रहेगा आपका, ठीक है, इस डेट से, और उसके बाद आपका एक चीज और याद रखना कि मोस्ट प्रोबेबली पता नहीं फिर 10 डेज के गैप में आई थिंक सो ISC 3 भी हो सकता है, आई डोंट नो ISC 3 होगा कि नहीं होगा, इस पर पैटर्न चेंज हो गया ISC 2 में, सो इसमें आपका ऐसा रहेगा, आपके 60 MCQs रहेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें 60 MCQs रहेंगे आपके, ठीक है, 30 MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 2, ठीक है, 30 MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 2, और जिससे मेरे पेपर की बात करो, और 30 MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 3, सॉरी, ठीक है,
तो ये आपका पेपर में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो 30 एमसीक्यूज आएंगे, 30 + 30 एमसीक्यूज, ठीक है। तो 30 एमसीक्यूज में से आपको यहाँ पे 20 करने हैं, यहाँ पे 20 करने, मतलब टोटल आपको कितने एमसीक्यूज करने हैं, 40 एमसीक्यूज करने, कितने करने हैं, 40 एमसीक्यूज आपको टोटल करने हैं 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका 40 मार्क्स का आईएससी रहेगा, आईएससी नंबर 2, ठीक है। एंड आपका मोस्ट प्रोबेबली 16th दिसंबर के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 16th या 16th और 20th दिसंबर के बाद, ठीक है, 20th दिसंबर के बाद मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो आपका जो है रहेगा वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली कमेंस हो जाएगा 16th to 20th दिसंबर के बाद, ठीक है। आपका ईएससी अभी तक टेंटेटिव है, कुछ बोला नहीं जा सकता, कभी भी आपका ईएससी हो सकता है 16th to 20th दिसंबर के बाद से। इट कैन बी आइदर इन द ऑनलाइन मोड एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तो कैसा है कि अभी कुछ बोलते नहीं आता, इट कैन बी ऑफलाइन ऑल्सो, ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस, ठीक है। तो इसमें आपका और इस ये इसके लिए आपको जो रहेगा, सो ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये आपका इंटरफेस जो रहेगा वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू होगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपको आंसर लिखना है एंड आफ्टर द एग्जाम आपको आपके मार्क्स कितने हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे 60 out of 60 कर दिए क्वेश्चन, ठीक है, तो 60 out of 60 कर दिए और उसके अगर मान लो 50 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं, 50 out of 60 अगर उसको 50 आ रहे हैं, उसका मार्क्स बट उसका जो मार्क्स रहेगा वो 40 में से ही काउंट होगा, ठीक है। अगर उसने 60 में से, अगर उसने पूरे 60 अटेम्प्ट किया, 60 में से मान लो उसको 54 मार्क्स आ रहे, तो उसके मार्क्स 40 out of 40 काउंट होंगे। मेरे बारे में क्या बोल रहा हूँ, ऐसा सिमिलरली अगर मान लो आपके 60 में से अगर 38 आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 60 में से 38 नहीं है, आपके 40 में से 38, समझना, क्योंकि आपके आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मन में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, सो डोंट बी पैनिक के साथ 60 out of 60 में से 38 है, नहीं 60 में से 38 नहीं है, सिर्फ आपको 40 में से 38, तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60, ठीक है, समझ में। सो इतना आपको चीज याद रखना है एंड क्लासेस को रेगुलरली करते रहो, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। अटेंडेंस का लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, एंड कल आई थिंक मैं आपको एक एडवांस वाटर ट्रीटमेंट का एक मेरा एक टॉपिक पढ़ाना यूनिट नंबर 5, तो वो भी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मैं कल मैं स्टार्ट कर दूंगा, इरेशन से स्टार्ट कर दूंगा कल, ठीक है। कल मैं लेके आऊंगा छोटे छोटे टॉपिक सब, वो भी उसमें न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ पार्ट में मैं कम्प्लीट कर दूंगा। एंड हाँ एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ बता दूंगा मैं, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट का भी पेपर आई थिंक आई सी का वो भी मैं सेट करूंगा एंड सॉलिड वेस्ट का भी पेपर जो रहेगा वो भी मैं सेट करूंगा, दोनों पेपर मैं ही सेट करने वाला हूँ। सो प्लीज स्टडी करके प्रॉपर जाना, ठीक है ना, दोनों पेपर मैं सेट करूंगा, एसडब्ल्यूएम का भी एंड एडब्ल्यूटी का भी, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स एंड ऑफ भैया, कल मिलते हैं अभी, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे का पार्ट। तो हमने सब टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट कर दिया, ठीक है, यूनिट नंबर 2 में दो टॉपिक्स थे, एक रिसाइकलिंग का, सैम्पलिंग का कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन फोरकास्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर मंडे तक का हम लोग ये हमारा जो यूनिट नंबर 2 हो जाएगा मोस्टली खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्यूजडे से यूनिट नंबर 3। ये मंडे को मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा आपको, ऑपरेशन फोरकास्टिंग के अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, तो फिर हम लोग ट्यूजडे से स्टार्ट कर देंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भी थोड़ा छोटा है, उसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर स्टेशन, स्टोरेज, कलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, उसमें भी न्यूमेरिकल है। देखो मेरा हर, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, ठीक है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल, इसलिए आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके, लेट्स एंड द वीडियो।